जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा, कड़ी पत्ता, धनिया, प्याज, आलू, नींबू और एक हरी मिर्च, और एक ही हम टमाटर लेंगे। और इसके लिए हमें मसाले चाहिए, राई, हम थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और ये नमक। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बनाना सिखाते हैं पोहा, जिसके लिए हमें क्या क्या करना होगा आप देखो। इससे पहले मैं बनाना सिखाऊं, इससे पहले मैं कहती हूँ, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, अब हम पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोहे को धोएंगे। देखो गाइस, पोहे को हम 2-3 बार धोएंगे। जो ये गंदी मिट्टी है सारी निकाल लीजिए। पोहा हमने धो दिया, अब हमारा पोहा बिल्कुल साफ हो गया। अब हम ये सारा पानी निकाल देंगे। दोस्तों, हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे और हमारा पोहा खिला खिला बने, इसलिए हमने इसको प्लेट में निकाल लिया। गाइस, सबसे पहले हम ये सब्जी कट कर लेते हैं और हम जल्दी से आपको सब्जी कट करके दिखाते हैं। सब्जी हमारी गाइस कट चुकी है, देखो, और पोहा हमारा बिल्कुल खिला खिला हो चुका है। चलो गाइस, अब बनाना शुरू करते हैं। आइए, चलिए गाइस, हम लेंगे 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच बहुत है गाइस, 2 चम्मच ऑयल डाला इसमें। अब हम डालेंगे अपनी राई। इसमें जीरा डाला है, अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता। डालने के बाद हम थोड़ा चलाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे थोड़े प्याज। हमने थोड़े प्याज मोटे काटे हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए भूनते रहिए। जब ये थोड़ी लाल ना हो जाए, इसके बाद ये हल्की लाल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें कटे हुए थोड़े से टमाटर। एक टमाटर लिया था हमने, इसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको डालेंगे, इसको थोड़ा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने, हमने बारीक काटे हैं, बारीक कटे हुए आलू, जिससे ये बारीक काटने के बाद ये थोड़ा जल्दी गल जाते हैं और जब तक आलू गले ना इसमें स्वाद नहीं आता। इसके बाद इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, जिसे हम थोड़ा तला लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी, एक चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। हम इसमें 1 चम्मच से हल्की कम मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है इसमें। और 1 चम्मच हम डालेंगे, छोटी वाली चम्मच चाहिए मसालेदानी वाली, धनिया पाउडर। इसको हम थोड़ा भून लेंगे, जिससे हमारा मसाला भून जाए। गैस को हम थोड़ा कम कर लेंगे। हमारे मसाले भून जाएंगे, इसके बाद हम डालेंगे इसमें, जब ये थोड़ा भून जाएगा, हमारे आलू हैं, क्योंकि आलू हमारे कच्चे ना रह जाएं,
इस वजह से हम इसको थोड़ा अब गाइस थोड़े से हमारे आलू पक जाएं, इसके लिए हम इसको थोड़ा ढक देंगे ताकि भाप में हमारे थोड़े आलू पक जाएं और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाए। इसको हम ढक देते हैं। आलू हमारे भुन चुके हैं गाइस, ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। अब हम इसमें डालेंगे पोहा। ये देखिए गाइस हमने इसमें पोहा डाल दिया। पोहा डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे गाइस इसको। ये देखिए हमने ऑयल इसीलिए ज़्यादा नहीं डाला था, ऑयल डालने के बाद ऑयल अलग से दिखता है, फिर वो ज़्यादा पोहे में आता है और गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देखिए गाइस अब इसमें डालेंगे इसको चलाने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे इसका बहुत अच्छा कलर आएगा और बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और धनिया से हमें भूख भी लगती है और जिनको भी थायराइड है उनको धनिया ज़रूर खाना चाहिए। हमारे घर में तो खैर किसी को नहीं है पर ज़रूर खाना चाहिए, ये भी मैं बता रही हूँ गाइस। ये देखिए गाइस अब मेरे को थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा पसंद है मैंने इसमें टमाटर भी डाले हैं, फिर भी मैं इसमें आधा नींबू डालूंगी ताकि हल्का खट्टा बने और खाने में और भी टेस्टी लगे। इसमें निचोड़ लूँगी मैं ऊपर से गाइस, मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया। अब इसको हम चला देंगे और ये हमारा पोहा बनके रेडी है। पोहा हमारा बन चुका है, अब आप खाइए और बताइए पोहा कैसा है। लो गाइस अब हम आपको पोहा खाएंगे और बताएंगे पोहा कैसा बना है और सबको खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है गाइस, आपको मेरा पोहा पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक करना। देखो गाइस हमारा पोहा बिल्कुल बन के रेडी है और कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितना अच्छा बहुत स्वाद बना है। मेरी लड़की ने एक दस्ता खाया है इसमें से, बहुत स्वाद बना है। आपको मेरा पोहा बनाना अच्छा लगा है और मेरे पोहे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।